चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए से एज्यूम करो सी तक जा रहा है और वन थर्ड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स वन कंसिडर करो, इस डिस्टेंस को एक्स टू कंसिडर करो। तो एक्स वन जो है टोटल डिस्टेंस का वन थर्ड है, एज्यूम करो ये पूरी डिस्टेंस है एक्स। तो एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स बाई थ्री, ठीक है ना, एक्स वन हो जाएगा। और एक्स टू कितना हो जाएगा, टू एक्स बाई थ्री, सही है, करेक्ट। ए से बी तक की स्पीड जो दिया है वी वन, कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी की स्पीड दिया हुआ है वी टू इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू। अच्छा, इसकी वैल्यू x1 प्लस x2 की वैल्यू आनी चाहिए, x1 प्लस x2 की वैल्यू टोटल डिस्टेंस x आनी चाहिए, लॉजिकली ये x आएगा, टोटल टाइम। अब देखो v1 इज इक्वल टू x1 by t1, v t1 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 by v1 होगा, करेक्ट है, और t1 इज इक्वल टू x by 3 अपॉन v1 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आर है ना, 20 किलोमीटर पर आर, चलो 20 किलोमीटर पर आर रहने दो, 20 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट v2 की वैल्यू क्या होगी, v2 इज इक्वल टू x2 बाई t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर लाओ, t2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है 2x बाई 3, 2x बाई 3 डिवाइडेड बाई v2, v2 की वैल्यू कितनी होगी, v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर पर आवर। तो t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, क्या रख दें, x y 3 नीचे आएगा 60 होगा, x y 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आएगा x by 90, x by 90 सॉल्व कर लो, x by 90 तो आएगा 30 90, हाँ x by 90 आएगा। LCM ले लो, कॉमन ले लो, पहले v एवरेज मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, v एवरेज की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन x कॉमन ले लो 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 90, x कट गया, LCM कितना होगा, LCM बताओ भाई, LCM कितना आना चाहिए, 150 आएगा, नहीं कितना आएगा LCM, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से हो जाएगा 180, तो 3 प्लस 2 180 ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है, 180 बाई 5, 180 बाई 5 कितना होगा, 36 किलोमीटर पर आर, देखो ये आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।